वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे हम लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे और थोड़ा ऐसा ही जनरल टॉक किया था। और इस वीडियो में हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हैं नेटबीन्स आईडी पे, और सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ पे लिखूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई एम वेटिंग, सब्सक्राइब करिए जिससे कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को सीख पाएँ, प्रोजेक्ट बनाना सीख पाएँ और भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें आप सीख पाएँ। तो मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए नेटबीन्स आईडीई ओपन है। ये नेटबीन्स आईडीई ओपन है और हमने ऑलरेडी क्या करके रखा है, MySQL इंस्टॉल करके रखा है। तो MySQL इंस्टॉल है, नेटबीन्स आईडीई इंस्टॉल है और SQL योग भी इंस्टॉल है। तो मैं वो योग को भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये SQL योग का आइकन है। आप चाहते हैं तो यहाँ पे वर्कबेंच यूज़ कर सकते हैं। ये वर्कबेंच MySQL वर्कबेंच फ्री है। तो बहुत सारे GUI क्लाइंट है, आप कोई भी नेट पे जाके सर्च कर लीजिए और यूज़ कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला SQL योग यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास SQL योग भी ओपन है, हमारे पास Eclipse ओपन है, ब्राउज़र ओपन है और हमारे पास नेटबीन्स ओपन है, SQL योग ओपन है, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर ओपन है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेटबीन्स पे चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सिंपली चलेंगे फाइल पे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम चलेंगे जावा विद आंट और जावा वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट कर देंगे। ये जावा का सिंपल वेब एप्लीकेशन है, बट अगर आप डिपेंडेंसीज को मैनेज अच्छे से नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए, जावा विद मेबन पे जाके जावा वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर दिए। इसमें आपको डिपेंडेंसीज दैट मीन्स जार फाइलें खुद से मैनुअली लगानी नहीं पड़ेंगी। मेबन एक खुद एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है तो वो खुद आपके लिए कर देगा, आपको नहीं करना। बट क्योंकि हम लोग सब चीज़ स्क्रैच से कर रहे हैं, एकदम बेसिक यूज़ करेंगे, तो हम जावा वेब यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे जावा विद आंट यूज़ कर लेंगे। जावा वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। ये पूछ रहा है कि भैया एप्लीकेशन का नाम, तो एप्लीकेशन नाम दे देंगे टेक ब्लॉग। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे दीजिए, मैं यहाँ पे टेक ब्लॉग दे देता हूँ। और फिर से मैं क्या करूँगा, सिंपली आप अपनी लोकेशन वगैरह भी चूज़ कर लीजिए, बट मेरा लोकेशन सब कुछ परफेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर नेटबीन्स थोड़ा सा टाइम लेता है तो आप वेट कर लीजिए, कॉफ़ी पीजिए तब तक। उसके बाद हम फिर से क्या कर देंगे, देखिए पूछ रहा है सर्वर, तो मैं यहाँ पे टॉमकैट सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप मेरे पिछली वीडियो को जाके देखिए जिसमें मैंने बताया था नेटबीन्स को कॉन्फिगर कैसे करोगे टॉमकैट के साथ, या टॉमकैट को नेटबीन्स के साथ कैसे कॉन्फिगर करोगे। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप खुद सीरीज़ में जाइए वहाँ पर server.jsp की सीरीज़ में, और उस सीरीज़ में आपको मिल जाएगा कॉन्फिगरेशन वाली, शायद सेकेंड वीडियो है। तो आप यहाँ पे अपना सर्वर चूज़ कर लीजिए और अगर आपके पास सर्वर नहीं तो ऐड भी कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप खुद से मैनेज करिए क्योंकि अब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, सीख नहीं रहे हो। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू यूज़ एनी फ्रेमवर्क, स्प्रिंग, जावा सर्वर फेजेस, स्ट्रट्स। तो अभी मैं कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करूँगा, सिंपल प्रोजेक्ट है, सिंपल server.jsp MySQL प्रोजेक्ट है, तो आप कोई फ्रेमवर्क मत यूज़ करिए। बट फिर भी बेसिक चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तब भी हम लोग का जो प्रोजेक्ट होगा वो बेस्ट होगा, परफेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। नेटबीन्स विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, नेटबीन्स थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। नेटबीन्स थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, जब तक नेटबीन्स यहाँ पे बिल्ड उल्ड करेगा तब तक आप वेट करिएगा। जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो ये देखिए टेक ब्लॉक क्रिएट हो गया। टेक ब्लॉक के अंदर चार डायरेक्टरीज आ जाएंगी, वेब पेजेस, सोर्स पैकेजेस, लाइब्रेरीज एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। हर एक डायरेक्टरी, हर एक फोल्डर का एक मतलब है। जिसने भी सिंपल जावा विद आंट वाला वेब एप्लीकेशन चूज़ किया था उसके में ये चारों डायरेक्टरी दिखेंगी, बट जिन्होंने मेबन यूज़ किया था कोई दिक्कत नहीं, उसमें जावा डिपेंडेंसीज वगैरह भी आएगी, pom.xml आएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली दो ही फोल्डर से मतलब है, सबसे पहला वेब पेजेस और दूसरा सोर्स पैकेजेस। वेब पेजेस इज़ फॉर योर स्टैटिक कंटेंट्स लाइक HTML, CSS, इसमें आप इमेज रखोगे और उसके अंदर आपके पास यहाँ पे फाइल है web-inf, ये इंपॉर्टेंट फोल्डर है, नॉट फाइल, ये इंपॉर्टेंट फोल्डर है। इसके अंदर आपकी आएगी web.xml, web.xml मीन्स प्रोजेक्ट का हार्ट, इट इज़ अ हार्ट ऑफ योर, दैट फाइल इज़ अ हार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, दैट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, उसके अंदर होती है कॉन्फिग्रेशन। तो web-inf के अंदर आ जाएंगी कॉन्फिग्रेशन और
इधर आ जाएंगी जितने आप प्रोजेक्ट जितनी आप फाइलें बनाओगे, जैसे अगर मैं जेएसपी की फाइल बनाऊंगा तो वो जेएसपी की फाइल सारी यहाँ आ जाएंगी, इंडेक्स, अबाउट, होम, ब्लॉग, पोस्ट, प्रोफाइल सारी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद बात आती है सर्वलेट्स की, तो आप सोर्स पैकेजेस को ओपन करेंगे, सारे डायनेमिक चीज़ें, दैट मीन्स जावा का सारा कंटेंट, चाहे वो सर्वलेट हो, फिल्टर हो, नॉर्मल क्लास हो, एंटिटीज हो, डाओ हो, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी सोर्स पैकेजेस में यहाँ पे। तो सिंपली सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे कुछ पैकेजेस बना लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, सोर्स पैकेजेस पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे चलता हूँ और सिंपली जावा पैकेज, और यहाँ पे पैकेज में शुरू करूँगा कॉम डॉट टेक ब्लॉग या टेक डॉट ब्लॉग, ठीक है, और डॉट यहाँ पे दे दूंगा सर्वलेट्स। तो ये हमारा पैकेज है कॉम डॉट टेक डॉट ब्लॉग डॉट सर्वलेट्स। बेसिकली इस वाले पैकेज में मैं रखने वाला हूँ सारे सर्वलेट्स, तो आप सिंपली फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश करेंगे आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक पैकेज बन गया और इसके लास्ट में लिखा हुआ सर्वलेट्स। तो इस वाले फोल्डर में, इस वाले पैकेज में मैं सारे अपने सर्वलेट्स रखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक पैकेज और बना रहा हूँ राइट क्लिक करके, और सिंपली जावा पैकेज यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कॉम डॉट टेक डॉट, तो आप स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखेंगे, ब्लॉग डॉट, और मैं बताऊंगा हेल्पर, ठीक है। तो ये एक पैकेज मैंने हेल्पर बना लिया। इस पैकेज में बहुत सारी क्लासेस हमारी हेल्प करने के लिए हम लोग लिखेंगे, जैसे कनेक्शन प्रोवाइडर लिखेंगे या कोई भी यूटिलिटी वाला काम करना है तो हम हेल्पर में लिख देंगे। तो हमारे दो पोर्शन हो गए, जावा का कोड है उसके दो पोर्शन है। सबसे पहला पोर्शन हमारा होगा सर्वलेट्स और दूसरा पोर्शन होगा हेल्पर। दैट मीन्स इस वाले पोर्शन में हमेशा सर्वलेट्स जाएंगे, इस वाले पोर्शन में हमेशा हेल्पर क्लास आएंगे। नेक्स्ट चीज, एक और पैकेज बनाऊंगा, राइट क्लिक करके न्यू पे चलूंगा और यहाँ पे जावा पैकेज पे क्लिक करूंगा, और इस पैकेज में यहाँ पे इस पैकेज का नाम दे दूंगा कॉम डॉट टेक डॉट ब्लॉग डॉट, और नाम दूंगा डाओ। डाओ स्टैंड्स फॉर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स इसके अंदर वो सारी क्लासेस होंगी जो हमारी हेल्प कर रही होंगी डेटा बेस से इंट्रैक्ट करने के लिए। दैट मीन्स अगर हमें कोई डेटा बेस में डेटा भेजना है, लेना है, अपडेट करना है, तो वहाँ का जो कोड होगा जावा का वो हम इसके अंदर लिखेंगे। तो सिंपली डाओ इज अ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी क्लासेस डेटा बेस से इंट्रैक्ट कर रहे होंगे वो सारी इस पैकेज में जाएंगी। तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, एक डाओ, एक हेल्पर और एक सर्वलेट्स। एक लास्ट चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ, सोर्स पैकेजेस पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, जावा पैकेज, और यहाँ पे दे दूंगा कॉम डॉट टेक डॉट ब्लॉग डॉट, और दे दूंगा एंटिटीज़, ठीक है, एंटर कर दूंगा। तो एंटिटीज़ बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर टेबल, ठीक है। बेसिकली अगर आपके पास यूज़र नाम की टेबल होगी तो यहाँ पे यूज़र नाम का क्लास भी होगा, अगर आपके पास ब्लॉग या पोस्ट नाम का टेबल होगा डेटाबेस में तो यहाँ पे एक पोस्ट नाम का क्लास भी होगा जो रिप्रेजेंट करेगा एक पोस्ट को। दैट मीन्स अगर आप यूज़र, मान लो लेट सपोज आपके पास यूज़र की टेबल है और आपने वहाँ से एक यूज़र फेच किया, अब वो यूज़र रखोगे कहाँ भाई? अगर वो डेटा डबल होता तो आप डबल टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर लेते, अगर वो डेटा इंटीजर होता तो आप इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर लेते, बट अगर वो यूज़र है दैट मीन्स वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में उस यूज़र का नेम है, यूज़र का ईमेल है, पासवर्ड है, प्रोफाइल पिक्चर है, तो वो सब कुछ स्टोर करने के लिए ये क्लास मैं बना लूंगा, उसको हम बोलेंगे एंटिटीज़। और जैसे ही डेटा आएगा, सब कुछ ऑब्जेक्ट आएगा, हम यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये वाला जो डेटा होगा उसको यूज़र के अंदर रख देंगे। तो हमारा पूरा बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डेटा रखा होगा, वो पूरा पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग पूरे वेब एप्लीकेशन में कहीं भी घुमा सकते हैं, जब मर्जी उस ऑब्जेक्ट से वैल्यूज निकाल सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट में डेटा चेंज कर सकते हैं। तो एंटिटीज बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर टेबल, वन एंटिटी, ठीक है। तो हमारे पास चार यहां पे हो गए पैकेजेस, और हर एक पैकेज की अपनी अपनी मीनिंग है, मैंने अपने अकॉर्डिंग बना लिया। बहुत लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनका दूसरा तरीका होता है, बेस्ट है, दूसरा तरीका यूज़ करें, बट सिंपली मैं क्या करता हूँ, अपने कोड को सेपरेट करके रखता हूँ, अलग अलग करके रखता हूँ। इससे होता क्या है, आपको कोड लिखने में आसानी होगी होगी, साथ में अगर कोई गलती होगी तो उसको भी आप इजिली रेक्टिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पे ये काम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक बना लेंगे वेब डॉट एक्सएमएल, तो हम वेब डैश आईएनएफ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और सिंपली मैं अदर पे जाऊँगा और यहाँ सर्च करूँगा वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर पे क्लिक करूँगा और फिनिश कर दूंगा। तो आपके यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल भी बन गई। अभी तक इसको बंद कर दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली सेव करके बंद कर दीजिए। अब बाद में हम लोग सर्वलेट बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंपली इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। ये हमारा होम पेज, ठीक है। अब बात करते हैं कि होम पेज की डिजाइनिंग कैसे होगी। होम पेज की डिजाइनिंग होगी विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो हम लोग चलते हैं, बूटस्ट्रैप लगाते हैं, तो सब लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे।
google.com, अपना फेवरेट सर्च इंजन google.com, और यहाँ पे सब लोग सर्च करेंगे bootstrap 4. तो जैसे आप bootstrap 4 पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे getbootstrap.com करके वेबसाइट, bootstrap की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट को सिंपली आप ओपन कर लीजिए। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन दिखेगा क्विक स्टार्ट, ठीक है, क्विक स्टार्ट। और यहाँ पे CSS है और यहाँ पे JS है। तो आपको करना क्या है, जिस पेज में भी आप bootstrap यूज़ करना चाहते हो, ये CSS लेके जाना है और ये JavaScript लेके जाना है। तो सिंपली अगर आप इंटरनेट यूज़ करोगे, वैसे अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन है इंटरनेट तो यूज़ करना ही करना चाहिए सबको, क्योंकि अगर इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे तो हेल्प कहाँ से रहोगे, कहाँ से स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करोगे, ठीक है। तो इंटरनेट होना ही होना चाहिए और आपको CDN यूज़ भी करना चाहिए। अदरवाइज CDN नहीं यूज़ करना चाहते हो तो इसको ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी। ऑफलाइन डाउनलोड करना मैं बाद में बता दूंगा, अभी सिंपली आप क्या करिए, ये CSS को कॉपी करिए और CSS को कॉपी करने के बाद सिंपली आ जाइए अपने इंडेक्स। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जो इंडेक्स पेज है इसको सिंपली हटा दीजिए, और मैं यहाँ पे HTML पेज नहीं यूज़ करूँगा कोई भी। आप सिंपली वेब पेजेस पर राइट क्लिक करिए, न्यू पेज आइए और सिंपली एक JSP पेज बना लिए और उसका नाम आप इंडेक्स दे दीजिए, जिससे कि आप जावा का कंटेंट भी इस JSP पेज में लिख पाएँ सिंपली। अब आप क्या करिए, हेड सेक्शन के अंदर आ जाइए और अपना CSS जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो ये है bootstrap का CSS। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS, जो भी CSS लगाना होगा मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो सिंपली मैंने bootstrap का CSS लगा दिया है। अब अगर मैं रन करूँ तो bootstrap की हेडिंग दिखेगी। एक बार रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो आप सिंपली जाइए ब्राउज़र पे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र, जो भी आपका ब्राउज़र है वो चूज़ कर लीजिए और अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए सिंपली और यहाँ पे रन कर दीजिए। जैसे ही आप रन करेंगे तो ये देखिए आपका हेलो वर्ड दिख जाएगा। तो ये बेसिकली bootstrap की हेडिंग है, नॉर्मल हेडिंग इस तरह नहीं दिखती है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। तो हम लोग आएंगे फिर से वापस और यहाँ की जावास्क्रिप्ट सारी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जावास्क्रिप्ट लगाएंगे बॉडी सेक्शन के एंड में। दैट मीन्स बॉडी यहाँ पे एंड हो रही है उससे जस्ट बिफोर, जस्ट पहले, और मैं पहले कमेंट करके लिखूंगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और एंटर करके मैं पेस्ट कर दूंगा सिंपली। तो जावास्क्रिप्ट भी लग गई यहाँ पे। लेकिन जावास्क्रिप्ट जब मैंने लगाया तो मैंने एक चीज़ देखा कि bootstrap वालों ने यहाँ पे jQuery की एक डिपेंडेंसी यूज़ की है जिसका नाम है jQuery 3.2.1.slim.min.js, ठीक है। तो slim.min.js जो है उसके पास सारी फंक्शनैलिटी jQuery की नहीं है, जो ज़रूरत है वही है, जैसे Ajax आप इसमें नहीं यूज़ कर सकते। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा और यहाँ पे मैं फुल jQuery की लाइब्रेरी लाऊंगा। तो सिंपली आप ओपन कर लीजिए यहाँ पे अपना ब्राउज़र और यहाँ टाइप करिए jQuery CDN और सिंपली आप पहली कौन सी वेबसाइट ओपन करनी, वेट code.jQuery.com दूसरी वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा और jQuery की लेटेस्ट CDN उठा लीजिएगा, 3.x है। तो मैनिफेस्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए CDN को कॉपी कर लीजिए, तो स्लिम को हटा दीजिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आइए और इसको पेस्ट कर दीजिए और फॉर्मेट कर दिए। तो आपकी jQuery भी इनेबल हो गई। jQuery इनेबल हुई है कि नहीं इनेबल हुई, ये चीज़ चेक करने के लिए आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग खुद से लिखिए। स्क्रिप्ट टैग खुद से लिख दिया मैंने और इसके अंदर मैं कुछ कोड लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा document और बाद में लगाऊंगा .ready और ready में मैं क्या करूँगा, यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करूँगा और कॉल बैक फंक्शन में मैं यहाँ पे एक अलर्ट दे दूंगा document loaded। और सिंपली अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को तो अगर document loaded आ गया इसका मतलब हमारी jQuery लग चुकी है। तो देखिए document loaded, दैट मीन्स jQuery आपकी परफेक्ट काम कर रही है, ठीक है। तो bootstrap भी भाई यहाँ पे अप्लाई हो गया, अब इसको आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट चीज़ इस NetBeans के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली देखिए हमको यूज़ कर रहे होंगे कुछ इमेजेस। तो इमेजेस कहाँ पे रखेंगे, वेब पेजेस पे राइट क्लिक करिए, न्यू पेज आइए और यहाँ एक फोल्डर बना लीजिए .jsp इमेजेस, न्यू पेज आइए और फोल्डर बना लीजिए और उसका नाम दे दीजिए इमेज, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, CSS कोई खुद की अगर CSS लिखनी होगी तो मैं क्या करूँगा, उस CSS फाइल को बनाऊँगा, वेब पेजेस पे राइट क्लिक कर दूंगा न्यू पे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँगा CSS, इसके अंदर सारी CSS लिखूंगा। एक बार मैं लिख के भी दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे CSS पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और अदर पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा कैस्केडिंग स्टाइल सेट, ये रही, नेक्स्ट करूंगा और इसका नाम दे दूंगा styles.css या my style, ठीक है।
और देखिए सीएसएस बन गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बॉडी का जो बैकग्राउंड है उसको रेड कर दे रहा हूँ सिंपली, बस टेस्ट करने के लिए। तो बॉडी लिखूंगा बैकग्राउंड और मैं रेड कर दूंगा, और इस सीएसएस को अपने इंडेक्स पेज में इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप जाइए इंडेक्स पेज में और सीएसएस यहीं पर लगाना है। तो आप क्या करें, यहाँ पर सिंपली आप देखिए इंडेक्स पेज है ये वाला ओपन है, आप अपनी माई स्टाइल को यहाँ से ड्रैग करके सिंपली इस तरफ ले आइए, ये क्या करेगा सीएसएस लगा देगा। इसको सेव करिए और अपने वेबसाइट को सिंपली रिफ्रेश करिए, देखिए परफेक्ट आपका सीएसएस लग गया है। इसका मतलब इस पेज में कोई भी सीएसएस लगानी है तो आप माई स्टाइल में सिंपली लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं इस बॉडी टैग को हटा देता हूँ, सीएसएस यहीं पर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी हुई तो जावास्क्रिप्ट के लिए सिंपली एक फोल्डर आप और बना लीजिए, वेब पेजेस पर राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर और इसका नाम दीजिए JS, और यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो न्यू पे चलिए और यहाँ पे अदर पे चलिए और आप फिल्टर पे चलिए और यहाँ लिखिए जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट फाइल नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए माय JS, एंटर कर दीजिए। तो ये बेसिकली JS फाइल है, इस फाइल को भी इंक्लूड करना होगा आपको इंडेक्स पेज में। तो यहाँ पे आ जाइए सबसे नीचे जहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप की CSS जावास्क्रिप्ट लगाई थी उसके नीचे आप इसको भी ड्रैग करके इधर ले आइए, ड्रॉप कर दीजिए सिंपली। और आप क्या करिए इसको टेस्ट करने के लिए कि ये लगी हुई है माई JS की नहीं लगी हुई, आप सिंपली यहाँ पे आइए और वही वाला कोड लिखिए। कौन सा कोड भाई? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लीजिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका लोड होगा ये फंक्शन चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक अलर्ट दे देंगे, अलर्ट लोडेड। अगर ये आउटपुट आ गया, ये अलर्ट आ गया, इसका मतलब हमारी माई स्क्रिप्ट में जो भी आप स्क्रिप्ट लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सिंपली आप आइए रिफ्रेश करिए, देखिए लोडेड। दैट मीन्स अब हमको अलग अलग चीज़ें करनी है, हमें अगर कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी है तो myjs.js में लिखनी है, css लिखनी है mystyle.css में, वो दोनों चीज़ें लिंक्ड है हमारे यहाँ पे। तो बेसिकली हमको करना क्या है, यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है, बॉडी के अंदर डिज़ाइनिंग करनी है, सर्वलेट्स बनाने हैं com.tech.blog.servlets में, हेल्पर में आपकी हेल्पर क्लासेस बनानी है, एंटिटीज़ में आपको एंटिटीज़ बनानी है, डाओ में आपको डाओ डेटा एक्सेस क्लासेस बनानी है जो डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे सिंपली, और इमेजेस फोल्डर में आपको कोई इमेज रखनी है। तो ये हमारा सेटअप हो गया प्रोजेक्ट। आप ऐसा एग्जैक्टली प्रोजेक्ट को क्या कर लीजिए, सेटअप कर लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट में करना क्या है ये सारी चीज़ सीखेंगे, और हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रेशन, लॉगिन मॉड्यूल और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। दूसरी चीज़, आपको डेटाबेस भी सेटअप करना होगा, तो डेटाबेस सेटअप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही। तो फाइनली हमारा नेटबीन्स पे प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अगर आप प्रोजेक्ट को रन करते हो तो आपको देखना यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट का होम पेज दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और आप प्लेलिस्ट जाके तैयारी करिए, सीखिए, तभी आप प्रोजेक्ट को बना पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।